IVM. Hey everybody, welcome to another awesome week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank our sponsors, Paytm Money. So we had a really interesting week on the network. Definitely check out some of the shows that came out there. We had interesting episodes on Cyrus Says, Advertising is Dead, Filter Coffee Podcast, Glass Station Adulthood, Mr. and Mrs. Binge Watch, Besa Besa. All of these shows had some really, really cool guests on, and there were some really good episodes out there. Do check them out. I'm sure you'll enjoy them. And with that, let's get you on with your show. Namaste, main hoon Shifa Maitra, aur swagat hai aapka Smile India pe. उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हो और घर बैठे मास्टर शेफ बन गए हो। चलो अब कुछ मजेदार बातें सुनाती हूँ। महाराष्ट्र में हम सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं महामारी के कारण, और इस बीच सरकार ने एक ऐलान किया है। राज्य में हर किसी को स्वास्थ्य इंश्योरेंस मुफ्त दी जा रही है। अपने राशन कार्ड के जरिए आप इलाज बिना पैसों के करवा सकते हो कहीं भी। अब एक और बात मुंबई से। ये सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 4 साल पहले। मुंबई के 3 झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में सड़कों के नाम रखे गए पहली बार। सड़क का नाम उस बच्चे के नाम पे है जो स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाता है। स्कूल एट योर डोरस्टेप नाम की एक संस्था ने ये मुहिम शुरू की जिले अधिकारियों के साथ। पहले बच्चे स्कूल रोजाना नहीं जाते थे, गली के गुंडे उनके हीरो थे, पर जब से गलियों पे उनके नाम आने लगे हैं सब बदल गया है। अब हर कोई पढ़ता है, घर वाले भी खुश हैं और आपस के इस मुकाबले से बहुत मजा आ रहा है। कितना प्यारा तरीका अपनाया है संस्था ने। हमें यकीन है कि यहाँ के कुछ बच्चे गली में ही नहीं बल्कि सारे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। अब रुक करते हैं नैनीताल की ओर। वहाँ एक छोटा सा गांव है जिले में, जहाँ लगभग 40 परिवार रहते हैं। लॉकडाउन के चलते सब घर पे थे। बात चली कि सड़क ठीक होती तो हम कितनी जल्दी शहर पहुंच जाते। 3 किलोमीटर की सड़क खराब हो गई थी लैंडस्लाइड में गिरे पत्थरों की वजह से, तो अब गांव वालों ने ठीक करने का सोचा। रोज गांव वाले मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए काम पे लग जाते हैं। शाम को कर्फ्यू से पहले घर लौट आते हैं। उनका कहना है कि सरकार की इससे मदद हो जाएगी और हम घर से खाना लाते हैं, गाने गाते हैं और सड़क बना लेते हैं। और एक हम है जो उठकर अपना बिस्तर भी नहीं बना पाते। एक और मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। यूं हुआ कि बरेली में तस्नीम खान का बच्चा होने वाला था। उनके पति अनीस नोएडा गए हुए थे किसी काम से और लॉकडाउन शुरू हो गया। वो अकेली थी और डरी हुई। एक दिन तबीयत खराब हुई तो उसने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस से मदद मांगी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, पर वो पति के बिना परेशान हो रही थी। केस मुश्किल था और बरेली पुलिस ने अपने नोएडा के सहयोगियों से बात की। वहां के ACP रणविजय सिंह ने बहुत फुर्ती दिखाई और अनीस को तुरंत एस्कॉर्ट के साथ भेज दिया। तस्नीम पति को देखते ही ठीक होने लगी और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसका मानना है कि पुलिस की मदद बिना ये हो ही नहीं पाता, तो इसलिए बेटे का नाम उस पुलिस अफसर के नाम पे रखा गया है, रणविजय खान। अब इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। और अब सुनिए इन पापा की कहानी त्रिपुरा से। पार्था साहा रोज अपनी बिटिया प्रज्ञा को मोटरसाइकिल पे स्कूल छोड़ते थे और अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वो सकते में आ गए। उन्हें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का शौक तो था, तो किताबें पढ़कर वीडियोस देखकर उन्होंने घर में तैयार की एक कोविड बाइक, जिसमें चलाने वाले और पीछे बैठे इंसान के बीच 2 गज की दूरी है। इसके लिए उन्होंने अपनी ही बाइक को बदला और उस पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे 2 साइकिल की सीट लगाई। पेट्रोल का टैंक निकालकर एक बैटरी लगाई जो 3 घंटों में चार्ज हो जाती है। अब सब हैरान हैं उन्हें अपनी बेटी के साथ इस नायाब बाइक पे देखकर। उनका कहना है कि ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए बनाई है, पर मेरा ख्याल है किसी कंपनी के साथ मिलकर इसे बड़े स्तर पर बनाना चाहिए। कौन कहता है हमारा जुगाड़ दुनिया भर में नहीं चल सकता। अब मेरे चलने का वक्त हो गया है, पर जाने से पहले एक दरख्वास्त है। आजकल हम सब ज्यादा हाथ धो रहे हैं जो जरूरी है। सब जानते हैं कि 20 सेकंड तक हाथों के हर कोने को धोना चाहिए, लेकिन उस वक्त नल का बंद रखना भी जरूरी है। गर्मियों में पानी की बचत बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, देश के बारे में और दिलचस्प बातें पढ़नी और देखनी हो तो फेसबुक पे गुड न्यूज इंडियंस का पेज जरूर देखें। IVM ऐप पे ढेर सारे पॉडकास्ट सुनिए, या फिर जहाँ से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो हमें जरूर खोजिए। जल्द मिलेंगे। Do you wish you were smarter?
Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday. On the IVM podcast app or wherever you get your podcasts. See ya! नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा. और मैं प्रणय कोटस्थाने. जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी. अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं. तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में. सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते.